टीआरएल न्यूज चैनल में फेस टू फेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं चक मनहासा के पूर्व सरपंच ठाकुर गोविंद जी। नमस्कार सर, आपका इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। सर, आप हमें बताइए कि आपका ये कार्यकाल कब और कैसे शुरू हुआ, किस चीज से प्रेरित होकर आप अपना इस राजनीति में आए हैं? नमस्कार जी। सर, मैं गोविंद ठाकुर उर्फ गोविंद सिंह, ग्राम चक्क मनहासा सरपंच, 2013 तो लैके 2018 तक जी मैं सरपंच रहा जी। 2013 तो शुरू है जी मेरा कार्यकाल। ओके सर, किस चीज से प्रेरित होके आप इस राजनीतिक क्षेत्र में आपने कदम रखा? जी, मेरे एक सरपंच चाचा जी नारायण सिंह सरपंच, जो पहले सरपंच रहे हैं जी, हाँ जी, उनसे सीखा जी। ओके, मतलब कि आपको ये परिवार की तरफ से ही देन मिली है कि आप अपना इस राजनीति में आए हैं? जी नहीं नहीं नहीं, तो किस अपना चाचा जी की तरफ से आप जी बता रहे हैं? हमारे गांव से हैं जी चाचा जी हमारे जी। तो और जो बच्चे वगैरह लेडीज वगैरह सभी चाहते हैं कि नया चेहरा कोई आ गया है। ओके। हाँ जी, इसीलिए उन्होंने मेरे को किया। जैसे कि हमारे गांव में एक कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन में खड़े हुए थे 2013 में, एक बीजेपी से खड़े हुए थे और मैं आजाद खड़ा हुआ था। ठीक है। हाँ जी, तो आप आजाद खड़े हुए, आपको कोई टिकट वगैरह नहीं मिली, इस वजह से आप आजाद खड़े हुए कि आपको गांव वाले जी पंचायत के उसमें टिकट नहीं, उसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। हाँ जी, ठीक है। सर, आपने अभी जैसे आप बता रहे हैं कि आप आजाद खड़े हुए हैं, तो आपने आजाद खड़े होने की तरफ से किस पार्टी की तरफ जाने का अपना डिसीजन लिया? जी, भारतीय जनता पार्टी। ओके, उसी में क्यों जाने का फैसला किया? जी, उम्र को ठीक लगा। ठीक है, मतलब आपके कांग्रेस के कार्यकाल से अलावा जी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी मौके के MLA थे, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल थे जी। ठीक ठीक, जिस कार्यकाल में मैं सरपंच हूं। ओके, आपने अपने कार्यकाल के समय ऐसे कौन कौन से कार्य करे जो आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप आगे भी अगर सरपंच बनते हैं तो आप ये कार्य और अच्छे तरीके से करेंगे? जी, कार्य अपने कार्यकाल में तो काम मैंने जैसे कि हमारे गांव में मैंने एक खाड़ा वगैरह जिम वगैरह के लिए मैंने अपनी पर्सनल जगह दी हुई है। ठीक है सर। जो भी पंचायत का एक रेजुलेशन बना उसमें सारे गांव वालों ने साइन किए हुए हैं। तो आपने वो पर्सनली अपनी जगह क्यों दी उसमें, अपना कोई जैसे गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपको ऐसे कोई हेल्प नहीं मिली? गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिले। अच्छा जी, ठीक है। और वो आपके कार्यकाल जो आप बता रहे हैं, ये अपना अखाड़ा जो आपने बनाया वो अच्छे से चल रहा है अभी? जी, अभी नहीं चल रहा है। क्यों, ऐसा क्यों, अभी क्यों नहीं चल रहा वो? वो जब तक उन्होंने उद्घाटन किया था जी, अश्विनी शर्मा जी MLA थे जी उस वक्त, उन्होंने जी माल का उद्घाटन किया, जो कि मैंने पंचायत का रेजुलेशन डाल के जगह दी थी पंचायत को जी। तो मिट्टी का खाड़ा भी बनवाया उधर, 3,60,000 रुपया लगा जिससे अश्विनी शर्मा जी ने उद्घाटन कर दिया। 3 साल तो बहुत अच्छा चला जी। अच्छा, बड़े हमारा देहाती मंडल से हूँ, हमारा ये इलाका जो जाति मंडल में पड़ता है जी, जी, हाँ जी। तो यहाँ गांव कोई 30 से 35 गांव है टोटल। अच्छा, जाति मंडल में, जिससे यहाँ से 40 से 50 लड़के हमारे खाड़े में रोज सुबह शाम आते थे, जिनमें से कोई 10 उधर रात भी रहते थे। ओके। हाँ जी, तो रात रहना फिर उन्होंने आ जाना है, फिर अपना जब मिट्टी में कुश्ती करनी है तो नहाना तो पड़ता है, पानी की जरूरत तो पड़ती है वहाँ। तो पानी के लिए वो दीवार रहते थे जी। तो वो ओपोजिशन वालों ने, मेरे को ये नहीं पता चला कि किसने शिकायत की। ओके। मैं वो क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने 4,80,000 रुपए का मेरे को चलान कर दिया, मैं वही नाम मेरे नाम पे। अच्छा, वो ना कि पंचायत के नाम पे। अच्छा जी। हाँ जी, मेरे मतलब नाम वो आपके नाम पे। हाँ जी, अभी मतलब वो जो पैसा फाइन के वो मेरे को भरना पड़ेगा, वो आपको भरना जी, पड़ेगा। जी, 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 हाँ जी। ठीक है सर, आपने मतलब जैसे अभी बुढ़ापा पेंशन को लेके गांव-गांव में मुहिम चली हुई है, तो इसके ऊपर आपका क्या कार्य रहा है आपके समय में? जी, मेरे समय में मैंने बुढ़ापा पेंशन 13-14 बुढ़ापा पेंशन लगवाई। तो मेरे दादी खुद बुढ़ापा पेंशन लेती है जी। तो वो जब मेरे चाचा जी नारायण सरपंच थे, वो घर से जाती थी तो उन्हें थोड़ा सा ना वो लगी हुई है अपने पैरों में। हाँ जी, पैरों में चोट लगी हुई है तो वो जा नहीं सकते थे, फिर उनको उठा के लेके जाना, उधर अंगूठा लगाना, फिर घर लेके आना। ठीक है, ठीक है। तो मेरे कार्यकाल में ऐसा हुआ कि मेरे चाचा जी के 3 लड़के हैं उधर, उनकी मैंने स्पेशल ड्यूटी लगाई हुई थी कि आपने जो बीमार है जो पेंशन लेने नहीं आ सकते थे, वो मैं घर घर जाके पेंशन उनको दी।
ठीक है, मतलब आपने उस मुहिम को घर घर तक जी, पहुंचा जी, दिया, हाँ जी, मतलब हाँ जी। ताकि वो जो बुजुर्ग हैं वो उनको परेशानी ना ना ही हाँ परेशान। जी, हाँ जी, ठीक हाँ जी। ठीक है सर, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा इस अपने वार्तालाप को जारी रखते हुए मिलते हैं। दिस इंटरव्यू इज स्पॉन्सर्ड बाय संदीपनी गुरुकुल। टीआरएल न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अपनी बातों का सिलसिला यही से जारी रखते हुए आगे हम सर आपसे पूछना चाहेंगे कि नशे के लिए आप अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं? जी, नशे के लिए तो मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया है जी। जैसे कि? जैसे कि हमारे गांव के साथ हिमाचल बॉर्डर एरिया पड़ता है जी, डमटाल छन्नी। आपने अखबारों में, न्यूजों में भी सुना होगा कि चिट्टे का जो कारोबार है डमटाल हिमाचल में इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ जी सर। हमारा, मेरा एक क्रशर है हिमाचल चूरपुर में जी, वहां से मेरे दोस्त है, उनका एक अकेला अकेला लड़का, और 18 साल की उम्र थी उनकी। अच्छा जी। अभी कोई 1-1.5 महीना पहले उसकी डेथ हो गई। अच्छा। चिट्टे से अकेला लड़का था जी उनका। नंबर दो, एक अपने गांव के साथ बाइयाकारिया मेरे खाड़े के साथ पड़ता है हिमाचल में जी, वहां से परसों एक लड़का चिट्टे के साथ वो मर गया। अच्छा जी। 2 महीने पहले संघेड़ पुल हिमाचल में डमटाल ही मुकेरिया से था लड़का, वो भी चिट्टे से, वो भी अकेला अकेला लड़का था, 40-50 किले का मालिक था जी, वो भी चिट्टे। हमारे बॉर्डर एरिया, कंडी एरिया के साथ साथ हिमाचल लगता है, इतना नशे का कारोबार है कि सोच भी नहीं सकते। आप इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं? मैंने रोकथाम भी आपको मैंने पहले बताया कि मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया था अपनी सरपंची के दौरान, कि मैंने एक जिम माल और एक खाड़ा जी, और वहां पे मैंने फ्री सुविधा दी हुई थी। मैं बादाम तो नहीं खिला सकता क्योंकि बच्चे बड़े ज्यादा थे। मैंने 2-3 क्विंटल महीने के जो छोले भिगो करके जी, बच्चों को सुबह मैं अपनी तरफ से देता था। ये सभी गांव वालों को पता है और इलाका वालों को भी, सभी को पता है। जहां कहीं भी कोई दंगल होता था तो चक मनासा दंगल का, जो चक मनासा खाड़े का नाम आता था जी, जी, कि जो गोविंदी ठाकर जो सरपंच है वो अपनी तरफ से एक तो गरीबों की लड़कियों को 11,000 रुपया वो हर साल अपनी तरफ से शादियों में वो देते हैं जी, और दूसरा जो गरीब बच्चे जो जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, जिनके माँ बाप कोई टायर पंचर की दुकान है, कोई रेड़ी वाले हैं, उनके बच्चों को शौक है, उन नशे से बचाने के लिए उनको मैं बादाम तो 1-2 बच्चों को दे देता था, बाकी सभी को मैंने देने थे अपने जी छोले वगैरह भिगो करके दे देने, रात को भिगो देने। तो आप ये मतलब कि कार्यकार अपना अभी तक करते आ रहे हैं कि आपने अभी ये बंद कर दिया? मैंने तो जारी रखा हुआ है लेकिन अभी बंद हो गया 6 महीने से। वो क्यों? मेरे को जी कोई समझ नहीं आया। जैसे कि पहले भारतीय जनता पार्टी थी जी, अश्विनी शर्मा ने जो जिम हॉल का उद्घाटन कर दिया। अच्छा जी। तो मेरे तो दिमाग में नहीं है जी कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी मेरे दिमाग में इंसानियत पहले। हाँ जी, ठीक है जी। तंदुरुस्ती और इंसानियत, पैसा इतना जरूरी नहीं है। और उन्होंने देखा पार्टी का जो सिस्टम होगा कि अश्विनी शर्मा उद्घाटन कर दिया कि अश्विनी शर्मा का बंदा है या भारतीय जनता पार्टी का, वो कांग्रेस पार्टी आ गई, वो 4,80,000 रुपए का एक चलान कर गए। और मैंने उनसे पूछा कि बताइए जी कसूर करे, हमें प्रेशर है, हमने जो चलान करने आए थे जी, मैंने उनसे कहा कि मेरे को बताओ तो सही चलान किस चीज का है, मतलब ये बंद कर दो। अभी तक आपने ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो अभी तक आपने हमारे साथ अपनी बताई हैं, हमारे साथ सांझी करी हैं। हाँ जी। तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि आप जनता के सामने लाना चाहते हैं, जो आप अभी तक अपने राजनीतिक काल में देख रहे हैं कि आपको इससे प्रॉब्लम परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं? परेशानियां तो बहुत देखी। आप कुछ ऐसे शेयर करें जिंदगी में। 2013 से 2018 तक मैंने पहली बार परेशानियां देखी, वो भी राजनीति में, इतनी गंदी राजनीति है। कैसी परेशानियां? मतलब परेशानी ऐसी प्रगति में जी, हमारे गांव में 2013 में एक मैडम वगैरह का झगड़ा हो गया था स्कूल में बच्चों के साथ। अच्छा। बच्चों को पीटा उन्होंने, मीडिया मुडिया बहुत आते रहे। अच्छा जी। और मैडम ने मेरे पे इतने गंदे इल्जाम लगा दिए कि मेरे को छेड़ दिया, मेरे को एक दूसरी मैडम ने गवाही दे दी, SSP की इंक्वायरी होगी, DSP आ गए गाँव में। जिस दिन उसने शिकायत की, मेरे को छेड़ा, गाली निकाली, मेरे को ये किया, उस दिन मैं वहां था ही नहीं। अच्छा जी। वहां थे वीडियो एडी, सॉरी उनके मैडम के थे ना, मैडम अपने सरकारी स्कूल जी, के थे जी, जी, जी। अपने SDM थे जी। तो उन्होंने इंक्वायरी की, उन्होंने फिर लिख के दिया SSP को कि देखिए उस टाइम जब ये बात कर रही है तो उस वक्त तो हम आए हुए थे, ये तो आए नहीं होते, इनकी मैसेज आई थी, फिर उन्होंने इसकी मदर आई थी, फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन और दे दी मैडम ने
कि इनकी मम्मी ने मेरे को गाली निकाली, मिसी ने मेरी मम्मी पे, मेरी मिसी पे, मेरे पे पर्सनली। ओके, हाँ जी। तो अभी तक मतलब ये सारी आपको परेशानियां आ रही हैं? जी, केस लड़ रहे हैं अभी। मतलब आप इन सब से जूझ रहे हैं कि आगे भी ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है? नहीं, अभी जूझ ही रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर। और सभी गांव के भी उनके महकमे वालों ने उनके खिलाफ लिखा कि ये गलत। ठीक है सर, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। तो आपने ऐसी कोई कार्रवाई करनी चाहिए उनके? जी, मैंने करनी चाहिए जी, मैं अपने अभी कोर्ट में केस लगाया हुआ है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने 2-3 बार उनके पापा ने बड़ी परेशानी दी है मेरे को, जो मैडम के मेरे खिलाफ आरटी डाल दी है कि इसके 4 क्रशर है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसकी 100 किला जमीन है हिमाचल में, ये कहाँ से आई, ये वो मेरे को उस दूसरी तरफ से परेशान कर गई। अच्छा, मतलब अभी तक आप राजनीति में ये अपोजिशन पार्टी की तरफ से ये सब? ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने तो आप कभी कोई भी, मैं चाहता हूँ कि अपने, लेकिन हमारे देहाती मंडल में हिमाचल पंजाब जेड में कोई इतने इतने दंगल होते हैं, इतना सारा हमारा पूरा नाम है। मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे मैं कैलू जी महाराज जी है उधर अपने गंगत में हिमाचल में, ऑल वर्ल्ड का दूसरे नंबर पे दंगल है, 6-7 करोड़ का दंगल होता है वहां पे मेरा हर साल में। मैं अपनी मेरी जगह है अपनी हिमाचल में, उधर जब जैसे कि गेहूं की कटाई होती है जी, उसके 51,000 रुपया मैंने उधर दान देना होता है कैलू जी महाराज के नाम पे हर साल। अच्छा। और 2-3 लाख रुपया मैं अपने गाँव में दंगल में देना होता है, जो मैंने बहुत ही बड़ा दंगल हो यूट्यूब वगैरह में भी आता है। ठीक, जी, ग्याला, ये तकरीबन जितने भी इलाके में जो 51,000, 11,000, 21,000 मैंने उधर देना ही होता है दंगल में। और जो गरीब, मैं लॉन्च भी करवाता हूँ, अगर कोई गरीब बच्चा है जी, जो इसमें रुचि रखता हो अपने दंगल वगैरह खाने में या कुश्ती में, उस मेरी तरफ से उसको फ्री खाना पीना। हाँ जी सर, तो आप हमारी जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो यही है जी, तंदुरुस्ती जो है जी सबसे बड़ा धन है जी। ये आजकल तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है जी, सभी पैसे के पीछे भागे हुए हैं, पैसा पैसा पैसा, कोई माँ बाप के लिए टाइम नहीं है जी, अपने बच्चों के लिए, अपनी मिसी के लिए टाइम नहीं है, सारे पैसे के लिए भागे हुए। मैं चाहता हूँ कि सभी अपने माँ बाप की सेवा करें, अपनी मिसी, अपने बच्चे, अपने यार दोस्त, अच्छे दोस्तों से प्यार करें। और सबसे मेन बात ये कि तंदुरुस्ती है ना जो सबसे बड़ा धन है, और मैं किसी चीज को पहले नंबर पर नहीं लेता। ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के ऊपर सारा ध्यान रखें? जी जी जी, ठीक है, उनका ख्याल रखो। अभी जैसे आप बता रहे हैं कि आपने राजनीति में आके अपने ये सारे कार्य किए हैं, हाँ तो आगे जब अगर आपको मौका मिलता है आने का, तो आप कैसे, क्या कार्य और हैं जो कर सकते हैं? चांस ही नहीं। चांस क्यों नहीं है? काम ही पक्के, उन्होंने काम ही पक्के कर दिए हुए, जैसे ये अपने चलान वगैरह करवा दिए जो सरकारी, उन्होंने जुर्माना हो गया तो मैं तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता कभी भी। अगर आप ये सबसे परे हट के आपका ये सब क्लियर हो जाता है, उसके बाद अगर आप आएंगे तो आप फिर आजाद ही खड़े होंगे दोबारा से, या फिर अपना ही? मैंने आपको मैंने पहले बताया कि मैं खड़े ही नहीं हो सकता, जो अपने उन्होंने ये चलान ही कर दिया हुआ, जो सरकारी खाते में जब चढ़ गया ना कि उन्होंने रसीद काट दी भी चलान मेरा हो गया, तो मैं इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। तो आप अगर इस बार अगर सपोर्ट करेंगे तो किसको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट तो मोदी। ओके, मोदी जी ही को क्यों सपोर्ट करेंगे आप? एक वो सच्चा देशभक्त है जी। अच्छा जी जी, बाकी आप, मैंने देख लिया सभी को, मैंने देख लिया कांग्रेस बीजेपी सारा, बीजेपी के मेरे को अच्छे लगे, लेकिन बाकी सारा सिस्टम ही है ना जो, मैं बोल नहीं रह सकता, चलो बोल ही देता हूँ जी, 2 नंबर का ही सिस्टम है सारा। अच्छा, बहुत ही गलत सिस्टम है। अगर आप एक देश के लिए अच्छा काम करने चलोगे तो आपको 100 रुपए आ सकती है, अगर आप बुरा करने चलोगे ना आपको 100 साथ देना शुरू कर देंगे जी, ये मैंने देखा आज तक। अब हम अपनी बातों के सिलसिले को यहीं पर समाप्त करते हुए एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।